पहले के जमाने लोग 100-100 साल जीते थे, 200 साल जीते थे, तो 25वां 50वां बनाते थे। हम लोगों के लिए 5वां ही काफी है। अच्छे से भर के रखना कटोरी में, आएंगे वैसे ही हल्दी, हैप्पी हल्दी जीजा जी बोलना। हल्दी लगाने के बाद जो है बारी है मेहंदी की। आज ही के दिन मेरी हल्दी विधि और यहाँ पूजा, ना चाहते हुए भी पूजा कब से करी थी तुम्हारा, हल्दी मेहंदी करेंगे, हल्दी मेहंदी करेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम हल्दी मेहंदी नहीं करोगे ना तो हम नहीं आएंगे भाई। 5वां एनिवर्सरी खुद से ही लगा लिया। पहले के जमाने लोग 100-100 साल जीते थे, 200 साल जीते थे, तो 25वां 50वां बनाते थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए 5वां ही काफी है। हम लोग 5वां में ही मनाएंगे। तो मैंने कहा था जैसे कि हल्दी नहीं करेगी तो हम नहीं आएंगे। तो इसका वैसे भी हमने सोचा भी नहीं था कि हल्दी मनाना है। कुछ क्या हुआ था कि स्किन पे ना हम लोग गए थे पार्टी वार्टी में, मेरे भी स्किन पे यहाँ पे ये पता नहीं परत सा पड़ गया है। क्या है ये यार? ये हल्दी ही है, ओरिजिनल हल्दी है। हाँ तो ये हल्दी है, बाकी आयुर्वेदिक है। तो ये सोची थी कि लगाएंगे तो चलो हल्दी के हल्दी लग गया। और कैसा लग रहा था तुम्हारी आज हल्दी है? वाह वाह वाह, नहीं सा लगा दो, अच्छे से लगा दो, स्किन ठीक हो जाए बस मेरा। ये हल्दी लगा दो, कोई नहीं लगा दो, हल्दी लगाओ रे, तेल हाँ तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का घोड़ा बदन दम का, ये हाथ लगा, हल्दी लगाओ रे। ऐसा हल्दी हो रहा है, खुद से सूट कर रही हूँ, खुद से गीत गा रही हूँ, खुद से ही हो रहा है। मॉडर्न दुल्हन मॉडर्न, देख लो बच्चों, बन्नी का घोड़ा बदन काला बदन चमकाओ रे, घोड़ा बदन चमकाओ रे। अच्छा तुम भी गाना गाओ ना, गाना गाओ। ए मम्मी की शादी है, गाना गाओ, मम्मी की शादी है, गाना गाओ, हल्दी लगाओ। तुमको भी लगा, मम्मी तुमको भी लगा, लगा दो तुमको, लगा ये देखिए मेरे लिप्स पे भी लगा दिया, खुद नहीं लगा दिया। हम हल्दी नहीं है भगवान, देख रहे हैं ना, हम हल्दी थोड़ी ना है, मेरी हल्दी होगी तो हमको लगाना है, ठीक है। क्या है ना कि जिया की हल्दी है तो उसको सब करना चाहिए। तो चुबावन काम कर देगा, एक हल्दी चुबावन होता है, ऐसे ऐसे चुमा देते हैं। वाह वाह वाह, नहीं चुमाए वाला गाना याद है हमने, कन्या चुमा नहीं हल्दी हवा नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, चुमावन वाला नहीं जानते। ए रिया तुम साली जी को भी, ए जीजा जी को हल्दी लगा देना रिया। हाँ जीजा सबसे प्योर हल्दी होता है, इसलिए दुल्हन को शादी में हल्दी लगाया जाता है, कोई डीटेन वीटेन काम नहीं करता, हल्दी काम करता है। जीजा जी को अच्छे से चकोड़ना हल्दी, ठीक है, सारा डीटेन निकाल देना, जीजा जी के दोस्तों को लगा देना है कि नहीं, सारा एकदम अच्छे से भर के रखना कटोरी में, आएंगे वैसे ही हल्दी, हैप्पी हल्दी जीजा जी बोलना। उस टाइम तो बोल नहीं पाए थे शादी के टाइम। हाँ शादी के टाइम, शादी के टाइम उनका हल्दी तो यहाँ हो रहा होगा, तो इसीलिए तो नहीं बोल पाए, बोल पाए थे, अभी तो बोल सकती है ना दादा। दोनों बच्चा जो है ना माथा खा लिया, इतना शैतानी कर रहा है ना दोनों मिल के, पहले मेरे लिए हाथ में नहीं बेटा, हाथ डाल मछली का इधर देखो, मेरे बेटे को बहुत दिक्कत होती है, मेहंदी लगा दो दिक्कत, हल्दी लगा तो कितना देर रखे हैं इसको? तो ये हल्दी का फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम मेहंदी का फंक्शन करेंगे गाइस। येलो पहन लेना, ठीक है, येलो कुछ पहन लेना, ठीक है, ये तो सही है, मैं करवा के रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है गाइस, ये ऐसे ही नाटक करते हैं। येलो कपड़ा पहन लेना, ठीक है, कोई भी साड़ी सूट जो भी हो येलो वाला पहन लेना, ठीक है, ओके डन। फोटो भी ले क्लिक कर लीजिएगा ऊपर, तुम का हिंदी लगा दी।
यहाँ पर जी सभी का खाना सब लग गया, हम लोग का तो अपना खाना सब हो गया, तो हम लोग खा लिए और अच्छा खासा खा लिए। और फिलहाल सारे क्रिएटर सब का जो है कॉल सब भी आ रहा है कि सभी लोगों को आने का अपडेट मांग रहे हैं। और यहाँ पर चल रहा है रुद्र भाई आराम कर रहे हैं, और शिवांश का जो है लंबा जैसा अपना गाड़ी सब बहुत गाड़ी लंबा दूर तक गया है, खुद बना लिया है। वाह, अरे वाह 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 वाह, ये देखता है ना फोन में इसका कोई ये वीडियो वगैरह, वीडियो उसी से खा लेता है। अरे वाह, अच्छा ये देख रहा है ये, अच्छा ये देख के, हाय 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 जबरदस्त। हल्दी तो जिया लगवा ही ली, और हल्दी लगाने के बाद जो है बारी है मेहंदी की, तो यहाँ पर मेहंदी भी लग रही है। और इस भाई से जो है जिया पहले भी लगवाई है, तो इनका जो है एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हाँ हाँ, प्रियांश के बर्थडे में, कहाँ पर? वो मार्केट में। अच्छा मार्केट में, वी मार्ट के आगे जो है, कौन सा दुकान था वो? आजकल फैशन के सामने। अच्छा उनके सामने था, तो वहीं से नंबर सब ली थी। और उसके बाद कुछ देर बाद उठ जाएगा तो मेहंदी अच्छे से तुम्हारा ऑन कर देगा, सूख जाएगा, जल्दी सूख जाता है। तो टेंट वाले भाई सबसे भी बातचीत हो चुकी है, गद्दे पंखे जिस चीज की भी जरूरत है ताकि गेस्ट को किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हो, उन सब के लिए बातचीत हो गया है। और बाकी जितने भी कुछ कुछ रिलेटिव हैं और अपने जो जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी लोगों से बातचीत हो चुकी है जो इंस्टाग्राम के क्रिएटर हैं। तो बहुत लोग जो है कल आ जाएंगे शाम तक, और उसके बाद जो है सुबह में हम लोग जो है होटल की तरफ चलेंगे, और होटल में चल करके जो है एनिवर्सरी का सारा फंक्शन सब होगा। तो उम्मीद करते हैं जी कि जितना भी सब कुछ किया जा रहा है थोड़ा सा मन में जो है अब थोड़ा सा जो पार्टी का जो फील होता है जब भी घर में कोई फंक्शन होता है किसी भी तरह का, तो वह फीलिंग जो है अब आने लग गया है कि अब सारा व्यवस्था करना है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो अब जो है थोड़ा सा रस होना शुरू हो गया है, और अब यहाँ से मज़ा आ रहा है, अब ये चीज़ अब आ रहा है कि हाँ घर में कोई फंक्शन होने वाला है। तो हमारा क्रियांश वहाँ से जो है यहाँ पर सोया हुआ है, अच्छा है कि सोया हुआ रहे या, और ऐसा करेंगे कि कुछ देर में आके हम भी सो जाएंगे एक दो घंटा, एक घंटा इसके पास, ताकि जिया का उधर मेहंदी लग जाए। आजकल जो एक दुविधा हो गई है जी, ये रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया जाए, पहले तो रिटर्न गिफ्ट का कल्चर नहीं था, लेकिन आजकल जो यह ट्रेंड में चला है रिटर्न गिफ्ट का, तो इस ट्रेंड को फॉलो करना है, तो फॉलो करने के कुछ लेना है। बाकी समझ में नहीं आ रहा है, बाकी आइडिया सब तो मिल रहा है कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, लेकिन करेंगे क्या, हम लोग सीधा चले जाएंगे शॉप में, और वहीं पर चल करके जो है जो सामान सब वहाँ दिखेगा तब आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सामान अच्छा है। दिल्ली सब ये बढ़िया रहता है, सदर बाज़ार चले जाइए, इतना तरह का आइडिया आपको मिल जाएगा। मॉल जाना होगा, वही देखते हैं तब। तो हम लोग शाम में चलेंगे, क्योंकि अभी जो है दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस गर्मी में तो बाहर नहीं निकलेंगे, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, तो लगभग 2-3 घंटे में हम लोग निकलते हैं और उसके बाद चलेंगे आराम से।